तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों देखो राजस्थान में जो विद्यार्थी है, राजस्थान बोर्ड जो अजमेर है वहां से टेंथ आपने और ट्वेल्थ पासिंग की है तो आपको राजस्थान सरकार के द्वारा पैसे दिए जाएंगे यानी स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अभी स्टेट लेवल जो टैलेंट सर्च स्कीम जो शुरू की गई एग्जामिनेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राष्ट्रीय स्तरीय जो प्रतिभा खोज, प्रतिभा जो विद्यार्थी है जिसने अच्छी परसेंट बनाई है, जो 2024 में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। 2023 की जो स्टूडेंट है वो अब 2024 में एग्जाम देते दिए थे, अभी अब आपका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। 2023 की जो स्टूडेंट है स्टेट लेवल के लिए ट्रेनिंग के लिए, देखो ये जो सर्च एग्जामिनेशन शुरू किया गया है राजस्थान बोर्ड है अजमेर बोर्ड उनके द्वारा, अब इसमें 2023 की जो स्टूडेंट है वो 10वीं पास हो रखा हो चाहे 12वीं पास हो रखा हो वो आवेदन कर सकता है और आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसमें 10वीं क्लास के लिए आपको अलग स्कॉलरशिप दी जाएगी, ट्वेल्थ के लिए आपको अलग स्कॉलरशिप दी जाएगी जिसमें आपको 2000 रुपये की प्रति महीने राशि दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। अब देखो इसमें जो आवेदन करना चाहता है, जो भी स्टूडेंट है आवेदन शुरू हो चुके हैं, देखो आपके आवेदन 3 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म आपके हैं 10 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो देखो 10 अप्रैल पास में आने वाली है, आपके पास 2 से 3 दिन का समय बचा है। 3 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, छात्रपति अगर आप पाना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं कि कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहता है आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, फॉर्म कैसे भरना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही जो भी नई नई योजनाएं आती है, नई नई जो भर्तियां आएगी हमारे 5G दुनिया स्टडी न्यूज चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आ चुके हैं आप बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर, देखो स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम 2024। अब देखो इसमें किसको लाभ मिलेगा, जो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वीडियो को पूरा देखना, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 का आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में राजस्थान के सभी मान्यता प्राप्त केंद्रीय पब्लिक नवोदय जो विद्यालय में निजी सरकारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित विद्यालयों के सत्र जो 2023-24 के नियमित रूप से अध्ययनकृत विद्यार्थी है वो आवेदन कर सकते हैं स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए। राज्य स्तर प्रतिभा जो भी विद्यार्थी है, प्रतिभा विद्यार्थी राज्य स्तर पर खोज परीक्षा के लिए, देखो STSE 2023 में 10वीं और राज्य स्तर पर मैथ और साइंस प्रतिभा खोज परीक्षा STSE 2023 कक्षा 12 राज्य स्तर कक्षा एवं जो आपकी व्यंजनिक प्रतिभा खोज है परीक्षा 2023 और 12वीं आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो देखो इसमें मैं बताऊंगा आपको फॉर्म कौन भर सकता है, आपके दस्तावेज क्या लगेंगे और फॉर्म अप्लाई हमें कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखना। राज्य स्तर प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन वो कर सकता है। अब आपको फॉरम कैसे भरना है ऑनलाइन वो भी आपको जानकारी आगे मिलेगी। अब देखो हम बात करते हैं स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित मॉडल स्कूल सहित विद्यालयों के सत्र 2022-23-24 के नियमित रूप से जो भी अध्ययनकृत विद्यार्थी है वो इस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9 से लेकर न्यूनतम 15% अंक आपने प्राप्त किए हैं और टेंथ के स्तर पर परीक्षा के लिए योग्य होंगे, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 11वीं में न्यूनतम 50% अंक के साथ प्राप्त किए हो और 12वीं कक्षा की उच्च परीक्षा में प्रवेश में योग्य होंगे। देखो इसमें परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं की जो विद्यार्थी है वो अलग अलग दिन ली जाएगी। अब देखो एग्जामिनेशन आपका होगा जो टेंथ के हैं और ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2023 में अलग अलग आपका पेपर लगेगा टेंथ और ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के लिए। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, फॉर्म आपके कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट है, फॉर्म का जो चालान है आपको कब तक जमा करवाना है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, आपके ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 10 अप्रैल 2023-24 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जो चालान होगा आपका जो आप फीस जमा करवाएंगे वो बैंक में शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि है 12 अप्रैल 2024 से वो रखी गई है। आप फॉर्म भर लेते हैं, आप फीस नहीं काटते हैं तो लास्ट डेट है 12 अप्रैल तक आप फीस अपनी जमा करवा सकते हैं। देखो विलुप्त शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने का जो आपका बैंक चालान मुद्रा करने की जो अंतिम तिथि है 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। चालान के द्वारा बैंक में शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल 2024 रखी गई है। ऑनलाइन संशोधन की जो तिथि है वो 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। यानी जो भी आपकी फॉर्म भरेंगे उसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक आप उसमें शुद्धिकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी माय प्राप्त जो प्रमाण पत्र है ते परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि है
22 अप्रैल 2024 रखी गई है और राज्य स्तर पर जो भी प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए है परीक्षा तिथि है वो 22 मई, सॉरी आपकी जो राज्य स्तर की जो प्रतिभा खोज की परीक्षा होगी जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा एग्जाम वो 12 मई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम लगेगा। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी आपका एग्ज़ाम शुल्क जमा कब होगा, लास्ट डेट कब है और आपके फोरम में शुद्धिकरण आप कब करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं छात्रपति जो आपको राशि दी जाएगी वो कितने पैसे मिलेंगे और किस विद्यार्थी को कैसे मिलेंगे। देखो राज्य स्तर प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं की राज्य स्तर पर योग्य सूची में अलग अलग आपका प्रथम 2020 चयनित विद्यार्थियों के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एकमुश्त राशि 4000 रुपये की जो राशि दी जाएगी 19 विद्यार्थियों को मिलेगी। 4000 रुपये एक विद्यार्थी को मिलेगी जो प्रथम आएगा और जो 19 विद्यार्थी बचेंगे बाद में उनको 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक प्राप्त किए हैं अंक उनको 16 सर्टिफिकेट तथा जिन विद्यार्थियों ने 80% अंक अधिक प्राप्त किए हैं 90 अंक तक प्राप्त किए हैं उन विद्यार्थियों को विशेष योग्य प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के से संबंधित जो प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में जो भी अभ्यर्थी है प्रतिस्पर्धी हैं उन दोनों परीक्षाओं के लिए योग्य सूची में अलग अलग 20-20 यहाँ पर चयनित विद्यार्थियों को राशि मिलेगी। इसमें प्रथम स्थान आएगा उनको 4000 रुपये मिलेंगे, बाकी जो 19 जो विद्यार्थी होंगे उनको 2000 रुपये की राशि दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा। इस प्रकार से आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, एग्जामिनेशन पासिंग करेंगे। अब देखो इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस फॉर्म भरने के लिए वो भी रखी गई है, कितने पैसे लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। देखो बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, सामान्य वर्ग की जो अभ्यर्थी उनके लिए जो आवेदन शुल्क वो 300 रुपये रखा गया, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के और दिव्यांग BPL जो भी विद्यार्थी है CWSN अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क वो 175 रुपये रखी गई, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनके बिल्कुल जो शुल्क आपका 350 रुपये और आरक्षित वर्गों की जो भी विद्यार्थी उनके लिए 225 रुपये रखी गई फॉर्म भरने के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई स्टेट लेवल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए। आगे देखो हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन वो क्या रखी गई है। अब जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई, आप फॉरम अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त राजकीय और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित मॉडल स्कूल निजी जो भी आपका केंद्रीय नवोदय विद्यालय हैं उसमें 11वीं 10वीं और 12वीं की जो अध्ययनरत विद्यार्थी है जिन्हें कक्षा 9 और 11वीं में उत्तीर्ण किए तथा जिन्हें न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं वो विद्यार्थी, एक क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है। अब देखो आपको फॉरम तो ऑनलाइन भरना है, उसके लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे दे दिए। आपको फॉरम ऑनलाइन जमा करवाना होगा, ऑनलाइन फॉरम भरना होगा। आप फॉरम भरेंगे आपसे नहीं भरा जाएगा, उससे पहले आप जहाँ से पढ़ाई की थी वहाँ पर पढ़ाना चाह रही हैं उससे बात कीजिए और वहाँ पर आप जाके आप अपना फॉरम भरवा सकते हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तभी आपका फॉरम भरेगा स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, फिर से अप्लाई करने के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके।